उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली मैनपुरी सीट को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों तरफ हलचल देखी जा रही है। जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से आज डिंपल यादव यहां पर नामांकन करने पहुंची हैं और उनके साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। डिंपल यादव ने नामांकन करने के पहले मुलायम सिंह की समाधि को नमन किया। निश्चित तौर से डिंपल यादव ये जताना चाहती हैं और ये लोगों तक बात पहुंचाना चाहती हैं कि मुलायम सिंह की राजनीतिक विरासत की वो ही असली हकदार हैं। वहीं इसके पहले रामगोपाल यादव के एक बयान ने सियासी हलचल को और बढ़ा दिया है, जहां उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यादव परिवार एकजुट है और डिंपल यादव का नाम शिवपाल यादव की स्वीकृति के बाद ही लिया गया है। तो निश्चित तौर से जहां पर रामगोपाल यादव के बयान के बाद में ये जताया जा सकता है या समझा जा सकता है कि यादव परिवार एक है, तो वहीं पर अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा की तरफ से अभी प्रत्याशी का इंतजार किया जा रहा है और इस सीट पर कौन प्रत्याशी होगा इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। वहीं अगर बात करें उपचुनाव की अन्य सीटों को लेकर तो जहां पर आरएलडी के खाते में आई खतौली विधानसभा पर मदन भैया को आरएलडी ने उतारा है, निश्चित तौर से वहाँ पर भी जाति समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो भाजपा की तरफ से अभी इन सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान की इंतजार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है जल्द से जल्द भाजपा भी इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। लखनऊ से आयुष के साथ चंद्रमणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।